हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकरा मेमन और आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके पहले के वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जो आप चेक कर सकते हैं इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल, और मैं चैनल पे भी चेक कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस एंड सोसाइटी का सेक्शन नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 में से हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो अगर आपको लिंक्स चाहिए तो इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं इसका PDF जो है प्रोवाइड कर दूंगी। अब शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। तो देखिए, हमें हमेशा से पता है कि हम लोगों के पास आज जो टेक्नोलॉजी है वो पहले के टाइम पे नहीं थी। आपको पता है आज आज के टाइम में लोग इतने मॉडर्न होते जा रहे हैं कि जैसे कि वॉशिंग मशीन, AC, फ्रिज, ये सारी चीज़ें जो हैं आप देखोगे, इनफैक्ट हजारों लाखों साल पहले जाने की ज़रूरत नहीं है। आज से 200 साल पहले भी आप चले जाओ तो आपको इसमें से आधी चीज़ें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है कि ह्यूमन प्रोग्रेस जो है हो रही है थ्रू द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ऐसा माना जाता है, जस्ट माना जाता है, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि साइंस इज बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस, ऑन थ्योरी, एंड साइंस डू नॉट साइंस इज नॉट एबल टू प्रोवाइड यू एब्सोल्यूट प्रूफ। तो साइंस जो है एब्सोल्यूट प्रूफ नहीं दे सकता। तो ऐसा माना जाता है कि अर्थ 4.6 बिलियन ईयर्स अगो फाउंड हुई थी, ठीक है। और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आपने बहुत पढ़ा है, एमीबा वगैरह, तो वो सब लोग जो है वो कब से एग्जिस्ट करते थे, 4 बिलियन ईयर्स से एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। और जो मॉडर्न ह्यूमंस है, जो हम आज ह्यूमंस है, ये कितने सालों से रह रहे हैं, करीबन करीबन 50,000 से लेकर 2 लाख साल, मतलब कोई फिक्स नहीं है, हम सिर्फ अंदाज़ा दे रहे हैं कि 2 लाख साल भी हो सकते हैं और 50,000 साल भी हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि 30,000 साल पहले हम मानते हैं कि हमने हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनको फर्स्ट टाइम डोमेस्टिकेट किया, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं कि हमने उनके बहुत सालों बाद जो है हमने मेटल का फर्स्ट टाइम जो है यूज़ किया। और फिर आपको पता है कि आयरन एज आई और स्टोन एज, बहुत सारी चीज़ें हैं वो। उसके अलावा हम बात करते हैं कि अगर, जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर अर्थ 24 घंटे ओल्ड रहता, मतलब अर्थ समझ लीजिए अर्थ की उम्र जो है वो कितनी है, 1 दिन, ठीक है। तो हम लोग जो है मॉडर्न ह्यूमंस वो 1159.59 पे आए हैं, मतलब हम सिर्फ 1 सेकंड ऑफ टाइम के लाए हैं, मतलब बहुत बड़ी सी जो है हिस्ट्री रह चुकी है अर्थ की, और हम जो आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड के लिए आए हैं, अगर अर्थ को हम समझ लेते हैं 24 घंटे का, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस छोटे से टाइम में, क्योंकि हम ह्यूमंस, मतलब हम ह्यूमन मतलब आप और मैं नहीं, जब से ह्यूमन जो है दुनिया में आए हैं तब से हम बात कर रहे हैं, तो तब से जो है हमने जो है इतना शॉर्ट टाइम पीरियड में भी हमने बहुत सारी चीज़ें की है, ठीक है। तो इसलिए हम डिस्कस करेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें की है टेक्नोलॉजी की फील्ड में। तो शुरुआत करते हैं, इसके इन्फोग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, तो आपको जो है कुछ मूवी टाइप फीलिंग आएगी, तो आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि 4 बिलियन ईयर्स पहले हमने जो है बात की अभी, कि छोटे छोटे जो है हमें देखने को मिलते हैं कि स्मॉल स्मॉल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है हमको देखने को मिलते हैं कि फॉर्म हुए होंगे, ठीक है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस। तो प्रिमिटिव मेटाबॉलिक जो है हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है 4 बिलियन ईयर्स अगो। 2 बिलियन ईयर्स अगो हमें यूक्रियोट्स मिलता है। यूक्रियोट्स आपने जो है पढ़ा होगा, आपके जो आपने अगर बायोलॉजी पढ़ी है, ऑफकोर्स पढ़ी होगी, टिल 10th ऑफ क्लास भी पढ़ी होगी, आपने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पढ़ा होगा, ठीक है। उसमें आपने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी कि जो बाद के जो एनिमल्स आए उसमें यूकैरियोट, ठीक है, यूकैरियोट क्या होते हैं, मतलब कंप्लीट डोमेन ऑफ लाइफ, तो वो इवॉल्व हुए। तो 2 बिलियन ईयर्स तक हम सोचते हैं कि यूकैरियोट्स जो है वो इवॉल्व होते हैं। फिर 570 मिलियन ईयर्स अगो हम मानते हैं कि जो मिनरलाइज्ड शेल होती है, जो आप पानी में देखते हो मोती, सीप के मोती, तो वो शेल का यूज़ करना जो है वो यूज़ कर दिया गया बाय दी एनिमल्स। उसके बाद 500 मिलियन ईयर्स अगो, देख सकते हैं आप कितने प्यारे प्यारे इन्फोग्राफिक्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो 500 मिलियन ईयर्स अगो। तो ऐसा माना जाता है कि जो जो स्कॉर्पियंस होते थे, ठीक है, स्कॉर्पियंस आपको बहुत अच्छे से पता है, तो वो स्कॉर्पियन जो है शेल्स को यूज़ करते थे एज एरो लंग्स, ठीक है, मतलब वो जो है कहीं ना कहीं मतलब लैंड पे मूव करने के लिए वो क्या करते थे, शेल्स को यूज़ करा करते थे।
फिर 3.3 मिलियन ईयर्स अगो हम ऐसा मानते हैं कि जो एंशियंट होमोनिम्स है, तो आपको पता होगा कि साइंस जो है अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करती है ह्यूमन को, होमो सेपियंस, ठीक है, उसके पहले के हमारे बहुत सारे एंसेस्टर्स, तो एंशियंट होमोनिम्स और बहुत सारे अलग अलग तरीके के एंसेस्टर्स, तो एंशियंट होमोनिम्स जो कि एक तरीके के आप ह्यूमंस कह सकते हो, वो जो है क्या यूज करने की कोशिश करते हैं, ऑल्डोवन, ऑल्डोवन, ये आप देख सकते हो स्टोन का यूज किया जा रहा है, तो स्टोन का यूज किया जा रहा है क्योंकि स्टोन जो है उस टाइम पे मौजूद होगा। उसके बाद 1.7 मिलियन ईयर्स अगो, इसके एंड तक जाते जाते आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि एंड में आते थे आप देखोगे कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ खत्म हो रही है। तो होमोनिम्स जो है धीरे धीरे बाद में जाके जो होमोनिम्स आने लग गए वो थोड़े से जो है स्टोन को और ज्यादा जो है यूज करने लग गए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो फोटो में, तो स्टोन्स को कहीं ना कहीं वो कुछ अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक्सिस, एक्सिस मतलब जो सॉ होती है जो कुछ काटने के लिए, तो पहले तो सिर्फ स्टोन को जो है यूज करते थे, उसके बाद धीरे धीरे देखोगे आपकी एक्सिस का भी यूज किया गया। फिर ऐसा माना जाता है कि 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 1.5 मिलियन ईयर्स अगो मतलब समझते हो कितना टाइम होता है, तो उस टाइम पर जो है ईस्ट अफ्रीकन होमोनिम्स मतलब अलग अलग तरीके के हम जो है कैटेगराइज करके रखते हैं द एंसेस्टर्स ऑफ होमो सेपियंस को, तो बेसिकली वो बताया जाता है कि उस टाइम पे फायर का यूज करने लग गए थे, मतलब फायर, फायर का जो डिस्कवरी होता है, क्योंकि आपने देखा कि लोगों ने क्या किया, पहले स्टोन यूज किया, फिर स्टोन से क्या कहते हैं उसका एक्स बनाया, एक्स बनाया, पेड़ काटा, पेड़ काटा होगा, फिर लकड़ी रखी होगी, फिर स्टोन से वो क्या कहते हैं कुछ कर रहे होंगे, फायर डिस्कवर हो गई, तो बेसिकली यहाँ पर फायर की बात की जा रही है कि फायर इतने साल पहले यूज की गई थी। तो देखिए मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है 5 लाख ईयर्स अगो, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट होम, होम मतलब सबसे ज्यादा पुराना होम, होम मतलब क्या, हट, एक तरीके का हट जो कि फाउंड हुआ है, मतलब हट तो इतने साल बाद फाउंड नहीं होगा ऑफकोर्स, उसके रेफरेंसेस भी फाउंड हुए होंगे, तो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि होमो इरेक्टस एक तरीके की पॉपुलेशन थी ह्यूमन की जो कि स्टोन टूल्स को यूज करती थी, वहां पर जो है चिचुबू में, चिचुबू मतलब टोक्यो के नॉर्थ में है, ठीक है, चिचुबू, चिचुबू जापान में है, और जापान में है वहां पर ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर, मतलब लोगों ने ऑफकोर्स बारिश होती होगी, बहुत सारी चीजें होती होगी, तो लोगों ने दिमाग लगाकर फिर जो है छत जैसा कुछ झोपड़ी जैसा बना दिया कि हम उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं रह सकें, और इसके अंदर जो है हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो है सबसे ज्यादा पुराना जो है हर्ट हो सकता है वर्ल्ड का, अनलेस एंड अनटिल हमको कोई और जो है पर्टिकुलर रेफरेंस जो है वो मिल जाए, तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं कि ये जो टेम्पररी एकोमोडेशन है ये यूज किया जाता होगा बाय होमो इरेक्टस। अब बात करते हैं 4 लाख साल पहले की, तो 4 लाख साल पहले जर्मनी में, मतलब अभी ऑफ कोर्स 4 लाख साल पहले नहीं, अभी फाउंड हुआ होगा, अभी फाउंड हुआ है 21st सेंचुरी में, वो है स्कॉनिंजन स्पीयर्स, जर्मनी में फाउंड हुए। स्कॉनिंजन स्पीयर्स क्या होते हैं, ये ऐसा माना जाता है कि पहले मतलब पैलियोलिथिक एज है ये, तो पैलियोलिथिक एज के अंदर बनने वाले पहले वेपन्स, तो इस तरीके के वेपन्स जो है हमें मिलते हैं, और ये 1994 से 1999 के बीच में हमको देखने को मिलते हैं जब हम जो है इस पर्टिकुलर चीज को फाउंड करते हैं, और हमें लगता है कि ये जो वेपन है ये शायद हंटिंग के लिए यूज किए जाते होंगे, ठीक है, हंटर्स के लिए यूज किए जाते होंगे, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि शायद ये हंटिंग के लिए यूज करे जाते होंगे, इसलिए ये मतलब इस टाइम पे हंटर एज शुरू हो जाती है, ठीक है, तो बेसिकली इस टाइम पर ये जो इस तरीके के रेफरेंस हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमको लगता है कि 1 लाख से 70 हजार साल पहले हमें जो है एक तरीके का आर्ट का इवोल्यूशन, आर्ट मतलब जैसे कि आज आप देखते हो ना कि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्टोन्स होते हैं, हैंडवर्क होता है, क्रिएटिविटी होती है, ठीक है, तो वो आर्ट का फॉर्मेशन की शुरुआत हम देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के ब्लॉम्बोस केव नाम की एक आर्कोलॉजिकल साइट है, वहां से हमें ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ तरीके के इनग्रेव्ड बोन, मतलब देख सकते हैं आप बोन पे कुछ डिजाइनिंग की गई, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी चीजें तो नहीं थी आयरन वगैरह की आप उस पर डिजाइनिंग करोगे या सोना चांदी, तो इनग्रेव्ड बोन देखने को मिलता है, मैरीन शेल बीट्स मतलब जो शेल के अंदर से जो बीट्स निकल रही है उसकी जो है क्या कहते हैं आपको कारीगरी देखने को मिलती है, तो
तो बेसिकली कुछ तरीके का आपको जो है आर्कोलॉजिकल एविडेंस देखने को मिलता है जिसमें आपको कुछ आर्ट नजर आ रहा हो, ठीक है, ऐसा लग रहा हो कि लोगों ने आर्टिस्ट बनने की कोशिश की है। और 50,000 साल पहले, 50,000 साल पहले ऐसा माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं इस टाइम पर जो है, क्योंकि आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया ऑन टुडेज वर्ल्ड मैप आसपास क्या है, वाटर से पूरा सराउंडेड है, ठीक है, तो बेसिकली ऐसा माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो लोग हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं उस टाइम पर वाटर क्राफ्ट बनाने की जो है प्रोसेस, वाटर क्राफ्ट मतलब नाव, नाव भी एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है, तो नाव बनाने की जो प्रोसेस है वो शायद समझ चुके थे, इसलिए एक छोटा मोटा नाव भले लकड़ी का क्यों ना हो वो उस टाइम पे जो है बनाया जा रहा था। इस तरीके के एविडेंस हमको देखने को मिलते हैं, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि नाव जो है वो होमोसेपियन से पहले जो लोग हैं उन्होंने बनाई हो। उसके बाद हम बात करते हैं 30,000 ईयर्स पहले, 30,000 ईयर्स पहले हम मानते हैं कि जो डॉग्स हैं उनको हमने डोमेस्टिकेशन करना चालू किया, और धीरे धीरे ये जो शुरुआत हुई डोमेस्टिकेशन की ये बाद में जाकर आप देखोगे जब एग्रीकल्चर शुरू हुआ, और एग्रीकल्चर क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा एक तरीके का बहुत सिग्निफिकेंट था एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन आया ह्यूमन की हिस्ट्री में, तो हम बोल सकते हैं वो ह्यूमन काइंड का ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है, ऐसा बोल सकते हैं अनलेस एंड अंटिल हम देखें कि आने वाले इन्वेंशन क्या होने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स हम बोल सकते हैं 30,000 साल पहले शुरू हुआ। अब बात करते हैं 26,000 साल पहले, तो अब तक के होमोसेपियंस आ गए थे, होमोसेपियंस मतलब जो हम जिस जिस पर्टिकुलर ब्रीड से बिलोंग करते हैं आप कह सकते हैं, वो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग्स जो है वो उस टाइम पर जो है उस टाइम तक ही इवॉल्व हो गए थे अकॉर्डिंग टू साइंस। तो उस टाइम पर जो है हमें देखने को मिलता है कि उस टाइम पे ह्यूमन उस टाइम पे जो ह्यूमंस है होमोसेपियंस कुछ तरीके के सेटलमेंट बनाने लग गए थे जो कि हट की तरह दिखते हैं, आगे अगेन आप देख सकते हो, लेकिन ये हट थोड़ी सी डिफरेंट थी एज कम्पेयर टू बाद वाली पहले वाली हट। तो ये जो एक टाइम है ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है चेक रिपब्लिक, आपको पता है यूरोप के अंदर, ईस्टर्न यूरोप के अंदर आता है, और वहां पर आपको देखने को मिलता है एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसका नाम है डॉलनी विस्टोनाइस, डॉलनी विस्टोनाइस। तो ये जो पर्टिकुलर साइट है इस पे हम मान सकते हैं कि 26,000 साल पहले यहाँ पर जो है हो सकता है कि होमोसेपियंस ने अपनी पहली झोपड़ी बनाई होगी, ठीक है, तो ये हमको अपर पैलियोलिथिक एज में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं 20,000 साल पहले की, तो हमें 20,000 साल पहले देखने को मिलता है एक इशांगो बोन, इशांगो बोन आपने सुना है या नहीं सुना है मुझे नहीं पता, तो इशांगो बोन जो है वो कहाँ पर डिस्कवर होता है, इशांगो बोन डिस्कवर होता है फिशरमैन सेटलमेंट ऑफ इशांगो, तो इशांगो मतलब जो होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आपको पता है, ठीक है, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आप डिस्कवर होता है, और ऐसा माना जाता है कि ये जो है हो सकता है एक बोन टूल हो, बोन टूल समझ सकते हो आप, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एक तरीके का वुडन टूल दिखाया था मैंने आपको, अब ये क्या है, अब ये है बोन टूल, तो ये 10 सेंटीमीटर का ही जो है एक तरीके का टूल है, और इसको हम टूल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बोन जो है इसको पॉलिश किया गया है, इसको जो है थोड़ा सा क्रेव किया गया है और किसी पर्टिकुलर चीज को करने के लिए इसे यूज किया जाता होगा, तो इसलिए जो है हम मान सकते हैं कि ये बोन टूल है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि किस एनिमल का टूल है, ठीक है, क्योंकि हमने जो है हम सोच सकते हैं इसमें मैमल का टूल हो सकता है, लेकिन हम जो है बता नहीं सकते कि किस पर्टिकुलर एनिमल का टूल है। फिर आ जाते हैं 12,000 साल पहले, ऑफ कोर्स ये बात है एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट जो है इन्वेंशन, इंडिया बोल रही हूँ, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में ऐसा माना जाता है कि मेटल इम्प्लीमेंट्स का यूज शुरू हो गया था उस टाइम पर। मेटल इम्प्लीमेंट मतलब जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर एक तरीके का एक्स आपको दिख रहा है, और ये एक्स क्या होते हैं, एक्स जो होता है लकड़ी का भी है और मेटल का भी है, तो दोनों चीज को कंबाइन करके यूज करने का काम भी उस टाइम पे हो सकता है शुरू किया गया होगा 12,000 साल पहले। अब बात करते हैं 10,000 साल पहले, तो 10,000 साल पहले आपने मेगालिथ का नाम सुना होगा, मेगालिथ मतलब एक तरीके का कोई मॉन्यूमेंट या स्ट्रक्चर बनाना स्टोन को यूज करके, तो
मेगालिथ जो है, थर्टी फाइव थाउजेंड से ज्यादा आपको यूरोप में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हमें देखने को मिलता है कि ये जो मेगालिथ है ये हमें सबसे अर्लीस्ट काइंड का कहाँ पर मिलता है, न्योलिथिक साइट में मिलता है, ऑफ गोबेकली टेप। गोबेकली टेप की एक एक जो है एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, वहां पर आपको जो है देखने को मिलता है इस तरीके का मेगालिथिक स्ट्रक्चर। और ये गोबेकली टेप कहाँ पर है, ये एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है टर्की के अंदर, वहां पर आपको जो है ये देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर इसलिए अभी भी एग्जर्वेशन चल रहे हैं मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स को ढूंढने के लिए। और ऐसा माना जाता है कि ये जो है पर्टिकुलरली 9,500 10,000 साल पहले का हो सकता है। उसके बाद 2,300 BC, मतलब आज के टाइम से आप कंपेयर करोगे तो करीबन 4,300 साल पहले करीबन, ठीक है। तो 2,300 BC में हम ऐसा मानते हैं कि वेस्ट अफ्रीकन चिंपांजीज जो थे वो क्या यूज करने लग गए थे, एक तरीके का स्टोन टूल यूज करने लग गए थे, आइवरी से बना हुआ, ठीक है। आइवरी से बना हुआ स्टोन टूल जो है वो चिंपांजीज यूज करने लग गए थे। तो मतलब यहाँ पर हम चिंपांजी की क्यों बात करने लग गए अचानक से, तो ये जो है चिंपांजी का स्टोन एज की बिगनिंग है। मतलब जैसे कि इंसान जो है पहले स्टोन एज था, फिर दूसरी दूसरी एजेस, तो वैसे यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि जो चिंपांजी है वो धीरे धीरे जो है स्टोन को यूज करने लग गया है, इसलिए चिंपांजी की स्टोन एज जो है ये इस टाइम से शुरू होती है। इसके बाद बात करते हैं 2100 BC, तो आपको यहाँ पर अबेकस देखने को मिल रहा होगा, तो सुमेरियन अबेकस। सुमेरियन अबेकस का ऐसा मानना है कि इस टाइम पर जो है एक तरीके की मशीन थी, ऑफ कोर्स की बात है आपको अबेकस पता होगा बहुत से लोगों को, तो कैलकुलेशन के लिए यूज करने की जो इस तरीके की नंबर मशीन है, तो ये जो है ये सुमेर से फाउंड हुई थी ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ये भी उसी टाइम पे हमको देखने को मिलती है, और इसको हम मानते हैं कि एक तरीके का प्रीमिटिव कंप्यूटर मानते हैं हम इसे। तो आर्किटस जो है, जो कि प्लेटो के फ्रेंड माने जाते हैं, जो कि टेरेंटम से बिलोंग करते थे, ऐसा माना जाता है कि वो फर्स्ट पर्सन थे जो फ्लाइंग पिजन, मतलब जो आज आप देखते हो ड्रोन उड़ते हैं जिसको कॉन्सेप्ट को आप कहते हो, तो एक तरीके का प्रिमिटिव ड्रोन इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं। तो उस टाइम पे वो स्टीम पावर्ड फ्लाइंग पिजन इन्वेंट करते हैं, ठीक है, स्टीम पावर्ड फ्लाइंग पिजन, ठीक है। तो उस टाइम पे मतलब स्टीम निकलते जाएगी तो वो जो है हवा में, जैसे आप देखोगे हॉट वाटर बलून का कॉन्सेप्ट, तो वो ड्रोन को यूज करते हैं, लेकिन वो 400 BC के अराउंड यूज करते हैं, मतलब आज से करीबन 2,500 साल पहले। बट हमें जो है एग्जैक्टली मालूम नहीं पड़ता है कि वो किस टाइम पर जो है इसे यूज करते हैं। अब बात करते हैं एंटी कायथरा मैकेनिज्म के बारे में, जिसको बोला जाता है फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर। हमको एक तरीके का जो है ऑब्जेक्ट मिलता है इस तरीके का, जो आप फोटो में देख सकते हो, इसे हमें देखने को मिलता है, ये 2nd सेंचुरी के BC के अराउंड में हमको देखने को मिलता है कि ये ऑब्जेक्ट बनाया गया होगा। आज के टाइम में ये नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में रखा गया है एथेंस के अंदर, ठीक है। लेकिन ये जो है एक तरीके का एक ऐसा ऑर्गेनिज्म माना जाता था, सॉरी ऑर्गेनिज्म बोल रही हूँ, मैकेनिज्म माना जाता था, जिसके अंदर से जो है आप यूज कर, जैसे कि आज के टाइम में आप बहुत सारे तरीके की एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस देख सकते हो, सोलार सिस्टम देख सकते हो, तो ये उस टाइम पर आपको एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस देखने में हेल्प करता था। साथ साथ मतलब जो एक्लिप्सिस आने वाले हैं उसको प्रिडिक्ट करने का काम भी ये करा करता था। कैसे करा करता था, उस टाइम का एनालॉग कंप्यूटर था ये, ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर था, और ये माना जाता है कि एंशियंट ग्रीक में जो है ये बनाया गया होगा, और इस तरीके का जो है ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न इन्वेंशन था। देखिए इस तरीके के कंप्यूटर्स को इन्वेंट करके उस टाइम पर क्या टेक्नोलॉजी रही होगी, और फिर आज के टाइम में जो हम कंप्यूटर्स देखते हैं उसकी जो टेक्नोलॉजी है कहीं ना कहीं हम इसमें से ही जो है डिराइव करते हैं। 27 BC के अराउंड, मतलब आज से करीबन 2,000 साल पहले, आपको एक तरीके का रोमन सर्वेयर से एक तरीके का ओडोमीटर यूज़ किया करते थे। तो ओडोमीटर यानी आप जो देख सकते हो आज तरीके, आज जो है आप देख सकते हो एक ओडोमीटर एक तरीके का जो है आपको वो देखने को मिलेगा, छोटा सा एप्लीकेशन, लेकिन आज उस टाइम पर जो आप देख सकते हो ये वुडन कार्ट में फिट होता था। वुडन कार्ट में एक फिट है, और इसके साथ साथ इसमें जो है टूथ गियर का जो है क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट दिया गया है, और सारे तरीके के जो है फेमस रोड्स को जो है कैलकुलेट किया करता था, जो कि
दैट लेड बैक टू द रोम। तो ये जो कहावत आई कि ऑल रोड्स लीड टू रोम, तो इसका जो है क्या कहते हैं कहावत का भी जो है कहीं ना कहीं इधर से ही जो है ओरिजिन हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट सेंचुरी एडी के अंदर, तो अलेक्सेंडरियन इंजीनियर जो होते हैं वो इन्वेंट करते हैं एलीपाइल, एलीपाइल यानी और या फिर उसको हम कह सकते हैं हीरोज इंजन। तो हीरोज इंजन आज वाला हीरो इंजन नहीं, तो वो जो हीरो जो अलेक्सेंडरियन इंजीनियर था जिसका नाम था हीरो, वो इन्वेंट करते हैं हीरोज इंजन, और वो एक तरीके का अर्ली स्टीम ड्राइवन टर्बाइन थी। आज आप देख सकते हो आज जो है आज तो अभी इतनी नहीं चलती होगी जो स्टीम ट्रेन चलती है, ठीक है, या फिर स्टीम के बेसिस पे आज जो टर्बाइन चलती है जो आप देख सकते हो वाटर प्रोडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए इन द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स। ठीक है, टर्बाइन को किस तरीके से रोटेट किया जाता है, ठीक है, टर्बाइन को रोटेट किया जाता है आप देख सकते हो थर्मल पावर प्लांट में, तो टर्बाइन को रोटेट करके एनर्जी जनरेट की जाती है। तो उस टाइम पर जो है और ये जो इंजन था ये भी जो है किससे, आप देख सकते हो किस तरीके से आग जो है गर्म हो रही है, स्टीम जो है प्रोड्यूस हो रही है, और स्टीम को यूज करके जो है टर्बाइन को रोटेट किया जा रहा है जिससे जो है कहीं ना कहीं एनर्जी प्रोड्यूस हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि AD 132 के अंदर एक हैन, इनका नाम दिया गया हैन चाइनीज थे वो, जिनका नाम था जैंग हैंग। तो जैंग हैंग एक तरीके का सिस्मोस्कोप डिस्कवर करते हैं, इन्वेंट करते हैं। तो सिस्मोस्कोप इन्वेंट करते हैं, और सिस्मोस्कोप का क्या काम होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, आज के टाइम पे भी आप देख सकते हो कि अर्थक्वेक आने वाला है क्या, या फिर कहाँ पर जो है अर्थक्वेक आने वाला है, ये कौन से एरियाज जो है अर्थक्वेक प्रोन है। तो उस टाइम पर वो इसका जो है प्रिमोरियल वर्जन या फिर आप कह सकते हैं प्रिमिटिव वर्जन जो है वो इन्वेंट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 9th सेंचुरी में एक एंडलुशियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पोएट अब्बास इब्न फिर सॉरी इब्न फिरनास। तो ये साइंटिस्ट भी थे पोएट भी थे, तो ये जो है प्रोबेबली माना जाता है कि ये फर्स्ट जो है फ्लाइट करते हैं, मतलब जो फ्लाइट का इन्वेंशन का जो कॉन्सेप्ट था वो वाला फ्लाइट नहीं जो बाद में जाके सी राइट ब्रदर्स ने किया, वो वाला फ्लाइट नहीं, लेकिन ग्लाइडर को यूज़ करते हुए फ्लाई करने का जो कॉन्सेप्ट है आप जिस तरीके से देख सकते हो इस पिक्चर में। तो ग्लाइडर क्योंकि एक वाइड सरफेस एरिया देता है, उस चीज़ को यूज़ करते हुए एयर में जो है फ्लोट करने का जो कॉन्सेप्ट है ये जो है करते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि 1232 में हमको देखने को मिलता है गन पावर रॉकेट्स जो है वो सोंग डायनेस्टी चाइना में इन्वेंट किए जाते हैं। तो आपको गन पावर रॉकेट बहुत अच्छे से पता है, आप आज भी जो दिवाली वगैरह पे पटाखे फोड़ते हो तो आपको जो है देखने को मिलता है कि छोटे छोटे जो रॉकेट्स होते हैं जो हम अक्सर यूज़ करते हैं उसके अंदर जो है आजकल जो है हार्मफुल केमिकल्स नहीं डाले जा रहे हैं, लेकिन पहले के एक टाइम पे आप देखोगे गन पाउडर रॉकेट जो है बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ करते थे, फिर बाद में जाके रेगुलेशंस आए तो गन पाउडर रॉकेट जो है उस टाइम पर जो है इन्वेंट किए गए थे। 1606 में ऐसा माना जाता है कि जेरोनिमो डी आयांस वाई ब्यूमंट एक स्पेनिश सोल्जियर थे, वो जो है डिस्कवर करते हैं, डिस्कवर नहीं इन्वेंट करते हैं एक स्टीम ड्राइवन वाटर पंप। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कैसा इन 1 सेंचुरी AD मैंने आपको बताया कि स्टीम ड्राइवन जो है टर्बाइन को घुमाने का कॉन्सेप्ट, लेकिन वो स्मॉल स्केल पे किया गया। अब ये जो रिलेटेड है ये है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से, तो ये जो है एक तरीके से पेटेंट ऑप्टेन करते हैं स्पेनिश मोनार्की से ताकि वो स्टीम ड्राइवन वाटर पंप जो है बना सके इस तरीके का जिस तरीके का फोटो में आपको दिया गया है, तो वहाँ पर जो है वो यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो है आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर जो है बहुत सारे अलग अलग तरीके की लोगों ने मिलकर जो है इसमें काम किया, और आप समझ नहीं सकते कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि देखिए आज के टाइम में जो मिल्स चलती है इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, तो उन्होंने जो है उस टाइम पे जो है स्टीम को यूज़ करते हुए ये जो फंक्शन बनाया था ये सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं बल्कि मिलिट्री और हाउस होल्ड में भी यूज़ हो सकता था। और उसके अलावा जो है सबमराइन में आप देख सकते हो, और जहाँ पर भी आपको यूज़ करना है आप कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो है इसलिए इनको बोला जाता है कि इन्होंने फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जो है शुरुआत की थी, क्योंकि इस तरीके का वाटर पंप जो कि स्टीम से चल रहा हो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट जो है इन्वेंशन है। अब बात आती है 1822 की, आपको बहुत अच्छे से पता है चार्ल्स बेबेज के बारे में जो कि माने जाते हैं
फादर ऑफ कंप्यूटर, तो उन्होंने डिफरेंस इंजन जो है डिज़ाइन किया था, ठीक है। और इंटरेस्टिंगली उन्होंने जो डिफरेंस इंजन डिज़ाइन किया था उसे वो कभी कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन इसके बाद भी उनको जो है फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। देख सकते हैं आप ऑन द लेफ्ट साइड की किस तरीके से जो है एक फोटो दिया हुआ है, इस तरीके का उन्होंने डिफरेंस इंजन जो है डिज़ाइन किया था। उसके बाद हम देखते हैं 1860 के अंदर क्या होता है, एक गैस फायर्ड इंटरनल कंबर्शन इंजन। अभी हम कौन सा इंजन देख रहे थे, हमने देखा स्टीम वाला इंजन देख रहे थे, अब गैस फायर्ड इंटरनल कंबर्शन इंजन की हम शुरुआत देखते हैं। एक कमर्शियली सक्सेसफुल गैस फायर्ड इंटरनल कंबर्शन इंजन। और फिर हिप्पो मोबाइल्स जो है, हिप्पो मोबाइल्स से आप समझ सकते हो क्या मेरे कहने का मतलब है। आज के टाइम में आप देख सकते हो जो गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल्स, बाइक्स, कार, एवरीथिंग, उस टाइम पर आपको इस तरीके का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो कार्ट है, ठीक है, तो कार्ट आपको दिख रहा है, कार्ट लाइक स्ट्रक्चर। और ये कार्ट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो है क्या यूज किया जा रहा है, इंटरनल कंबर्शन का यूज करके इसे जो है चलाया जा रहा है। तो इसके जो है इन्वेंटर कौन है, एंटिने लेनियर। तो एंटिने लेनियर जो है इसे जो है इन्वेंट करते हैं। अब 1903 आया और पहली बार जो है आप देखोगे कि राइट ब्रदर्स द्वारा किटी हॉक के अंदर पहली बार एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि हवा से ज़्यादा हैवियर है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि फ्लाइट जो करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स को फ्लाइट की गई, लेकिन अक्सर जो है उसमें ऐसा मटेरियल यूज़ किया जा रहा था जैसे कि क्लॉथ, और मे बी ऐसा मटेरियल जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सरफेस एरिया प्रोवाइड कर सके और बहुत ज़्यादा जो है लाइट लाइट रहे। लेकिन इस पर्टिकुलर जो है फ्लाइट के अंदर एक इस तरीके का मटेरियल यूज किया गया है जो कि एयर से हैवियर है, और इससे जो है शुरुआत होती है एरोप्लेन की। तो आप सोच सकते हैं एरोप्लेन करीबन मतलब 100 साल पहले इन्वेंट की गए, नॉट मोर देन दैट। और उसमें भी आप देखोगे कि 100 साल पहले इन्वेंट करने में भी आज के अभी 50 ईयर से ही मोर कॉमनली जो है एरोप्लेन हुए हैं। तो राइट ब्रदर्स जो है इसके इन्वेंटर्स माने जाते हैं, दी एरोप्लेन के इन्वेंटर्स मान जाते हैं। अल्दो उन्होंने जो मॉडर्न मॉडल है उसको नहीं बनाया था, लेकिन कुछ जो आपको मॉडल दिख रहा है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड उस तरीके का मॉडल बनाया था। और यूजिंग दी पाउडर दे यू नो यूजिंग दी पावर ऑफ अ फ्लाइट दे यू नो दे हैड देयर फर्स्ट फ्लाइट। और फिर उन्होंने जो है दुनिया वाले बोल रहे थे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर उनको उन्होंने जो है दिखा दिया, और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इन्वेंशन था। 1931 में आप देखोगे कि जो सुपर कंप्यूटिंग की जो एज है वो शुरुआत हुई, मतलब जो आज जो आप मशीन्स देखते हो, मतलब आज तो आप बहुत ज़्यादा मशीन देखते हो, जैसे कि आप देख सकते हो कैलकुलेटर, क्योंकि उस तरीके के कंप्यूटर्स नहीं थे, तो कैलकुलेटर्स के आप मशीन देखते हो। इस तरीके की मशीन्स का जो इन्वेंशन है वो शुरुआत हुई बाय IBM। IBM एक कोलम्बिया यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वहाँ पर जो है 1931 में इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद हम देखेंगे 1944 में जर्मन वी टू मतलब एक पहली बार वेपन बनता है जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में जो है उभर कर आता है। और ये पहली मिसाइल होती है जो कि स्पेस को क्रॉस करती है, स्पेस को क्रॉस करती है, और इसी से जो है इंस्पिरेशन लेके बाकी सब लोग जो है स्पेस व्हीकल्स को बनाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं 1951 में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई बाय अ न्यूक्लियर फिजन पावर प्लांट। न्यूक्लियर फिजन पावर प्लांट को यूज़ करके पहली बार जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई। कहाँ पर प्रोड्यूस की गई, इन आर्को इडाहो, ठीक है। और उसके अलावा जो है ये जो पर्टिकुलरली जो है इसे एटॉमिक एज कहा जाता है, एटॉमिक एज की शुरुआत कही जाती है, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो बेसिक साइंस क्या होती है, इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉम्स, इट इज़ बेस्ड ऑन दी न्यूक्लियर एनर्जी, और आपने ये सब चीज़ें जो है ऑलरेडी आपकी क्लासेस में पढ़ी होगी। तो इसी के साथ हमारा जो ये वाला टॉपिक है द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी ख़त्म होता है। ऑफ कोर्स ही बात है कि जितनी चीज़ें इसमें कवर्ड है उससे भी कहीं ज़्यादा इन्वेंशन जो है हुए हैं, बहुत सारे इन्वेंशन हमें पता है, बहुत सारे नहीं पता है, और बहुत सारे अभी भी जो है हम ढूंढ रहे हैं। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही थी कि इतने पहले से लेकर हम कहाँ तक आ चुके हैं और अभी भी हमें जो है बहुत लॉन्ग सफ़र जो है वो जाना है। और इसी के साथ हमारा जो ये वीडियो है ये ख़त्म होता है।
अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और हम डिस्कस करेंगे अबाउट वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, और फिर बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप जो है कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, आई विल बी ग्लैड टू सॉल्व योर डाउट्स। और अगर आपको इस चैप्टर के जो है नोट्स या फिर इस पर्टिकुलर लिंक्स के PDF चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।